हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड हमेशा की तरह आज की भी जो टेक न्यूज है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा टेक न्यूज जरूर वाच करके जाना, आपको जरूर मजा आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले न्यूज को बात कर ली तो वो ट्विटर की तरफ से निकल के आ रही है। ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, एंड अब एलोन मस्क ने भी एआई चैट बोर्ड को अनाउंस कर दिया है, एंड इसका उन्होंने नाम दिया है ग्रूट। एंड यह जो चैट बोर्ड है बिल्कुल गूगल का जो गूगल बार्ड है एंड चैट जीपीटी है उसके जैसा ही सिमिलर इसके फीचर्स होने वाले हैं। एंड साथ में एलोन मस्क ने ट्वीट में क्लियरली मेंशन भी किया है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो लिटिल ह्यूमर टाइप का होने वाला है, यानी इससे आप हंसी मजाक भी कर सकते हो। साथ में अगर मैं इसके फीचर्स की बात कर लूं तो ट्विटर पर जितने भी न्यूज आते हैं उसको आप रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हो, साथ में जो भी आपका सवाल है उसका भी यह रिस्पॉन्स देने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों यह जो एआई चैटबॉट टूल है वो केवल प्रीमियम प्लस यूजर्स के लिए ही अभी फिलहाल अवेलेबल कराया गया है, एंड इसकी जो अर्ली एक्सेस है वो भी 4 नवंबर से शुरू हो गई है। एंड रिसेंटली एलोन मस्क ने एक प्रीमियम प्लान भी लॉन्च किया है $16 का, जिसमें आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इस ग्रुप एआई चैटबॉट को लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन आप जानते हो कि एलोन मस्क इस न्यू फीचर्स के लिए आपसे अलग से पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीमियम प्लस यूजर हो तो जरूर इसे यूज कर पाओगे, नहीं तो इसका आप यूज नहीं कर सकते हो। एंड फिलहाल इसकी बीटा टेस्टिंग है, तो जिन लोगों के पास भी इसका अर्ली एक्सेस आया है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। इसके अलावा दोस्तों जो लोग एप्पल का न्यू आईपैड साथ में गैलेक्सी S22 अल्ट्रा लेने का सोच रहे हो तो उसके ऊपर अच्छी डिस्काउंट मिल रही है। क्रोमा का वेबसाइट है, उस पर आप जाकर चेक करना। जो एप्पल का आईपैड है 10th जनरेशन का वो अभी फिलहाल आपको 34,000 के प्राइस रेंज में मिलने वाला है, तो अच्छी डील्स है, 5-6 हजार का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड वहीं पर जो गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है उसे 62,000 के प्राइस में तो लिस्ट किया गया है, लेकिन HDFC का कार्ड है तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा एंड 52,000 के प्राइसेस में आपको यह अवेलेबल होने वाला है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हो एंड इंटरेस्टेड हो तो जरूर जाके क्रोमा के वेबसाइट पर इसे चेक करना। साथ में IQ 12 सीरीज बहुत जल्दी चाइना में तो लॉन्च हो ही रहा है, एंड अब कंफर्म हो गया है कि जो IQ 12 में व्हाइट लीजेंड एडिशन है उसे इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, एंड 2 कलर वेरिएंट में इसे लॉन्च किया जाने वाला है। तो इस मंथ यह चाइना में लॉन्च होगा एंड नेक्स्ट मंथ इसे इंडिया में भी लॉन्च किया जा रहा है 12th दिसंबर को। तो जब इंडिया में आता है फिर देखते हैं कि इसकी प्राइस किस तरह की होती है। दोस्तों अगली न्यूज में बात कर लूं तो वो सैमसंग की तरफ से निकल के आ रही है। सैमसंग का जो अपकमिंग गैलेक्सी S24 सीरीज है इसके रिगार्डिंग भी काफी कुछ अपडेट तो रेगुलरली देता ही रहता हूँ, एंड लॉन्च के ऊपर भी अपडेट दिया था कि इसे नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसी न्यूज आ रही है कि 17 जनवरी को इसे US मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, एंड कुछ पोस्टर भी बाहर है। तो अच्छे चेंजेस के साथ इस बार गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च हो रहा है, एंड काफी कुछ कैमरा में भी अपग्रेड होने ही वाला है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जूम एनी प्लेस कैमरा टेक्नोलॉजी इस बार इंट्रोड्यूस कर रहा है सैमसंग, एंड साथ में जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन होने वाले हैं, एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो सैमसंग इस मंथ से स्टार्ट भी कर चुका है, तो जल्दी लॉन्च होगा। वोडाफोन आइडिया की बात कर लूं तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि वो भी 5G को रोल आउट करने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो भी 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे। एंड इसके अलावा एयरटेल एंड जियो ऑलरेडी 5G सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन एयरटेल ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 4G प्लान्स के जो प्राइस है उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन 5G प्लान्स का जो प्राइस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। वहीं पर जियो जो है वो 4G प्लान्स का जो प्राइस है उसको बिल्कुल स्टेबल रखे हुए है। तो 5G की जो रेस है वो एयरटेल एंड जियो के बीच में चल रही है। तो आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे हो जो वोडाफोन आइडिया या BSNL का सिम इस्तेमाल करते हो। तो फाइनली दोस्तों आज की जो टेक न्यूज है वो यहीं पर समाप्त होती है, एंड आई होप कि आज की जितनी भी टेक अपडेट्स मैंने आपको दी है वो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज संडे है तो ज्यादा कुछ टेक अपडेट्स मुझे मिले नहीं, लेकिन जो भी टेक न्यूज मिली वो रेगुलर वे में मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। एंड जो लोग भी नए हो जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते हो किस बात की देरी भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट दोस्तों कि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि चैनल का जो रीच है वो थोड़ा बढ़ सके, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो फिलहाल इस टेक्निक में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक्निक में, तब तक ले स्टे सेफ एंड बाय बाय।